ऐसे ही लेटेस्ट हेयर स्टाइल को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये स्टाइल हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस है उसका। और ऐसे ही स्टाइल को सीखने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकें कि हेयर स्टाइल कैसे किया है। सबसे पहले तो हम ईयर टू ईयर सेक्शन लेंगे। ईयर टू ईयर सेक्शन हेयर स्टाइलिंग में कंपलसरी सेक्शन होता है। सेंटर पार्टीशन करके एंड आफ्टर ईयर टू ईयर सेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद हम थ्रोट वाला एरिया अलग करेंगे। कान के ऊपर से दो फिंगर छोड़ के पग वाला एरिया अलग करना है। उसके बाद सेंटर में कोनी बनानी है, मीडियम कोनी, ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो। उसके बाद और अच्छे से स्प्रे भी करना है। फिर उसके बाद हम डोनट लगाएंगे। डोनट हमेशा यू पिन से तक मत करना, हमेशा बॉब पिन यूज़ करना। डोनट हो या स्टफिंग हो, उसे होल्डिंग थोड़ी स्ट्रांग होती है। पिन के डायरेक्शन भी देखें, जो बोनी की साइड है उस साइड पिन ना लगा के अपोजिट साइड हमेशा पिन लगाए क्रॉस में, तो इससे स्ट्रांग होता है। डोनट लगाने के बाद हमें हाफ सेक्शन करना है पोनी, और हाफ सेक्शन में अच्छे से बैक कॉम्बिंग करनी है वॉल्यूम के लिए ताकि हमारा बन ज़्यादा हैवी हो सके। अगर वॉल्यूम बालों में ज़्यादा है तो हम छोटे छोटे सेक्शन लेके भी काम कर सकते हैं। दो तीन सेक्शन डिवाइड करके देन आफ्टर बैक कॉम्बिंग अच्छे से करनी है और अच्छे से स्प्रे भी करना है, इससे हमारा बन स्ट्रॉन्ग हो सके। और अच्छे से पिन अप करके यू पिन से आप उसको शेप दे सकते हो ताकि वो राउंड शेप में आए बन। तो सेकंड सेक्शन को हमें कम बैक कॉमिंग करना है, इसलिए क्योंकि हमें इसको क्लीन रखना है, हमें बन को ऊपर से क्लीन रखना है, इसलिए हमें कम बैक कॉमिंग करनी है और अच्छे से स्प्रेड करके उसे बन को कवर करना है और अच्छे से स्प्रे करके उसे नीट एंड क्लीन करना है। बैकोमी करने के बाद उसे हाफ पार्टीशन में डिवाइड करना है, हाफ लेफ्ट वाला राइट साइड टक करना है जैसे कि आप देख सकते हो। लेफ्ट वाला हमने राइट साइड टक करा और राइट वाला लेफ्ट साइड करा, अच्छे से होल्डिंग करना है। उसको दबा हुआ लगता है आपको बन में तो आपको उसे टेल कॉम की हेल्प से अप करना है। अच्छे से स्प्रे करके राइट एंड मीडियम क्लीन करना है। फिर हम आएंगे पफ के ऊपर, फिर हमें सेकंड नंबर पे पफ करना है और हमेशा बैक पफ या लो पफ करने के लिए हम हमेशा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, नीचे की साइड से नहीं, डाउन साइड से नहीं करना है। फर्स्ट सेक्शन हमें हल्की बैक कॉम्बिंग करनी है क्योंकि हमें इसे नीट एंड क्लीन रखना है। सेकेंड सेक्शन में थोड़ी ज़्यादा बैक कॉम्बिंग कर सकते हो कि वो शो नहीं होता,
और अच्छे से स्प्रे करना है। स्प्रे तो हर पार्ट में ही करना है। बैक कॉमिंग, स्प्रे, फिर बैक कॉमिंग, फिर स्प्रे, अच्छे से स्प्रे कर लें ताकि पफ की होल्डिंग अच्छे से बनी रहे। और जिनमें सब में स्प्रे किया हुआ था सेक्शन में बैक कॉमिंग करिए, उसे स्प्रेड करते हुए बोलते हुए सेंटर में सबको कलेक्ट करना है। उसके बाद हल्का हल्का स्प्रे भी करना है ताकि छोटे छोटे जो वेवी हेयर होते हैं चिपक जाए। तो सारे बालों को होल्ड करके उसको टक करना है, ऊपर से अच्छे से स्प्रे करना है, क्लीन हो जाए ताकि हमारा पफ एकदम नीट एंड क्लीन रहे। यहाँ दोस्तों यू पिन से सब सबको टक करना है। टक करके यू पिन से कम 4 या 5 यू पिन लगा के टक करना है उसे। बॉब पिन से टक मत करना उसको, यू पिन से भी टक हो सकता है। टक करने के बाद आप पूरे बालों को अच्छे से क्लीन करेंगे। देखिए आपको दिख ही रहा होगा मैंने टक करा, यू पिन इसलिए लगाइए ताकि शेप को शेप अच्छे से बने रहे, पफ की शेप अच्छे से बने रहे। शेप आप पफ की देख ही रहे होंगे। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड लेना है, लेफ्ट साइड का क्राउन एरिया अलग करना है और लेफ्ट साइड फुल टक करना है बन को। हमें पहले क्राउन एरिया अलग करना है। और हल्का सा स्पेट हुए नीचे ईयर तक करना है उसको। लेफ्ट साइड भी हम यू पिन से टक कर सकते हैं या तो आप बॉब पिन लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमें क्राउन एरिया फिर से अलग करना है साइड पे। क्राउन एरिया अलग करने के बाद हमें राइट साइड वाला भी फॉल ऐसे ही प्रिजर्व करना है कंटिन्यू। तो ध्यान रहे आपके पफ से ऊपर है। किसी बैक को भी कर लेंगे अगर वॉल्यूम चाहिए तो। बॉल को थोड़ा सा डाउन स्प्रेड करना है फिर यू पिन से होल्ड। फ्रंट पे, फ्रंट पे क्राउन एरिया लेना है। क्राउन एरिया को हमें हाफ डिवाइड करना है। हाफ डिवाइड करने के बाद सबसे पहले हमें ऊपर वाले क्राउन एरिया को स्प्रेड करना है सिर्फ फ्रंट से। फ्रंट से स्प्रेड करने के बाद अच्छे से स्प्रे करना है। और हाँ दोस्तों, जब तक हमें स्प्रे करना है जब तक वो होल्ड नहीं हो जाता। स्प्रे करोगे, हाथ से क्लीन करोगे एंड उसके बाद आगे स्टाइलिंग करोगे। स्प्रे कर करके उसे स्ट्रॉन्ग करना है। लेफ्ट हैंड को ही ऊपर ले जाओगे और राइट से कॉल नीचे करोगे। बट आपका जो स्टाइलिंग हो गया है उस पर उसको आपको छेड़ना ही है। कॉल को डाउन करना है, डाउन स्प्रेड।
अपने लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग इसे और डाउन करना। फ्रंट में यू पिन से होल्ड करके देन उसके बाद आगे वर्क करना है, फिर लेफ्ट हैंड वाला ही लेफ्ट साइड वाला उसको हमें ऊपर अप करना है। दोस्तों हमें फ्रंट में अच्छे से स्प्रे करना है तभी वो होल्ड होगा। आप टाफ्ट का 6 नंबर भी यूज़ कर सकते हो इसी स्टाइलिंग के लिए। देखिए आपका अच्छा स्प्रे नहीं होगा तो होल्ड नहीं होगा ये सब। सेकंड सेक्शन सेम, लेफ्ट हैंड से होल्ड करोगे, राइट से स्प्रेड करोगे। स्प्रेड भी उतना ही करना जितनी नीड है, एक्स्ट्रा कुछ मत करना इसमें। अच्छे से स्प्रे करके क्लीन करोगे उसको। सेम कंटिन्यू करते हुए हमें आगे तक चलना है। थर्ड सेक्शन हमारा फर्स्ट सेक्शन ही है। तो हमें आगे तक कंटिन्यू करना है उसको। अच्छे से स्प्रे करना है देन उसके बाद यू पिन से होल्ड करो। होल्ड करने के बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्लीज़ यार ये अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो जो इस फील्ड में है, जो हेयर स्टाइल का वर्क करते हैं, सबकी हेल्प हो उससे। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिले। ऐसी हर वीक एक वीडियो तो पोस्ट कर ही सकता हूँ मैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट जो फ्यूचर में कोई भी वीडियो बने तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कुलदीप हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से सर्च भी कर सकते हैं फुल वीडियो वॉच करने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।